रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के एक्टिंग से सजी फिल्म ब्रह्मास्त्र को OTT पर रिलीज करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह फिल्म 9 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के राइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास आ चुके हैं। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अलावा ब्रह्मास्त्र में अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय भी लीड रोल में हैं। फिल्म में शाहरुख खान और नागार्जुन जैसे सुपरस्टार्स के कैमियो भी नजर आए थे, जिन्होंने फिल्म में इंप्रेसिव कैरेक्टर निभाए थे। आप सबको पता होगा कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी का पहला पार्ट है। ऑडियंस हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम से अपनी लैंग्वेज चूज करके इस मूवी को हॉटस्टार पर देख सकते हैं। आयान मुखर्जी ने कहा, ब्रह्मास्त्र हमारी समृद्ध और अनूठी भारतीय संस्कृति का एक भव्य उत्सव है। हमारी फिल्म, हमारे इतिहास, हमारी विशाल विरासत और उन कहानियों से प्रेरित जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण था कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसी फिल्म बन जाए जिस पर भारतीयों को गर्व हो। फिल्म भारतीय सिनेमा के एक नए चरण को कैसे चिन्हित करती है, इस पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, हमारी समृद्ध भव्य संस्कृति पर आधारित एक मनोरंजक जीवन से बड़ी कहानी अत्याधुनिक तकनीक के साथ बताई गई है। एकदम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसे मैं लोगों के घरों में लाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, ताकि सब परिवार इसे फिर से या पहली बार देख सके। उन्होंने कहा, मैं उन सभी रिएक्शंस का इंतजार कर रहा हूँ जो दर्शकों से हमारे पास आने वाली है। आयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा 4 नवम्बर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी।